आज सारा क्लेम हो रहा है कि हम क्षत्रिय है पहले साबित हो जा रहे हैं, क्लेम ही करना तो एक नंबर पे क्लेम थी दो नंबर पे क्लेम क्यों कर रहे, एक नंबर पे बोलिए कि हम लोग भाई ब्राह्मण ही। अजय जी 5 साल से मैं सेबेटिकल लीव मांग रहा हूं कि काशी प्रसाद जायसवाल को हिंदी में किताब छापनी है, राष्ट्रवादी सरकार कहती है, राष्ट्रवादी मोड में है और मुझे 5 साल से छुट्टी नहीं दी जा रही। यह हाल एकेडमिक पर्पज से किताब लिखने के लिए काशी प्रसाद जायसवाल ने मुझे लिखा है लेकिन छुट्टी नहीं मिली। गवर्नमेंट जो है इतने बड़े बड़े लोग, मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादा समाज जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूं, मैं घूमता हूं पूरे भारत, एक लेख तक नहीं छपवाया इस राष्ट्रवादी सरकार से। अगर सोचिए कि काशी प्रसाद जायसवाल जायसवाल लगी होते, कुछ और होते, अगर ब्राह्मण होते तो छप गया रहता। हमारे यहां धन की इज्जत ज्यादा होती है, किताब की इज्जत कम होती है। जितने काशी प्रसाद जायसवाल खर्चीले थे उतना ही जायसवाल समाज कंजूस हो गया है। काशी प्रसाद जायसवाल बहुत ही खर्चीले आदमी है, राहुल सांकृतायन दिनकर तमाम ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कर देते। शुक्रिया आप सभी का और आप सभी को काशी प्रसाद जायसवाल की जयंती की बधाई। मेरा नाम रतन लाल है, मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और मेरा शोध का विषय काशी प्रसाद जायसवाल द मेकिंग ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरी। 3 बरस छुट्टी लेके मैंने पीएचडी की, 4 साल में पीएचडी की और 3 साल और लगाया उनकी किताबें छापने में। तो जो भी बात कहूंगा जायसवाल साहब ने जो लाइफ किया है या जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उसी के संदर्भ से मैं बात रखूंगा। और आजकल थोड़ा सा माहौल गड़बड़ है, हर बात के लोगों की भावना हार्ट हो जाती है, तो कम से कम हम जायसवाल जी को ये कोट करेंगे कि इससे आप समझ पाए। और एक पेशेवर इतिहासकार होने के नाते, प्रोफेशनल हिस्टोरियन होने के नाते बगैर फैक्ट के हम बात नहीं। तो चलिए थोड़ा ब्रीफ देता हूं। जायसवाल जी, काशी प्रसाद जायसवाल बहुत ही खर्चीले आदमी, राहुल सांकृतायन दिनकर तमाम ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करते थे, बहुत खर्चीले आदमी थे। उनका घर पटना फ्रेजर रोड पे, अभी भी जाएंगे तो बिल्डिंग दिखेगी वहां। उनका अड्डा था पूरा इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलरशिप का। और 1935 में जब गांधी से मिले तो उन्होंने गांधी जी को इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई थी और गांधी जी बहुत मानते थे जायसवाल को, जवाहरलाल नेहरू के दोस्त। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी, नेताओं को तो बहुत पैसा मिलता है, चंदा मिल जाता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जैसी किताब लिखी है, मैं भारत का विहंगम इतिहास लिखना चाहता हूं लेकिन मुझे लोग पैसे नहीं देते। यह संदर्भ इसलिए कह रहा हूं कि जितने काशी प्रसाद जायसवाल खर्चीले थे उतना ही जायसवाल समाज कंजूस हो गया है। सस्ता साहित्य मंडल से 200 रुपए की किताब छपी, 6 किताबें छप चुकी है अंग्रेजी में, उनकी हिंदी राइटिंग का कलेक्शन, जायसवाल जी के बारे में किन लोगों ने क्या क्या लिखा है उसका कलेक्शन, और इसलिए छपाया था सस्ता साहित्य मंडल से कि कम से कम कुछ नहीं तो 500 रुपया खर्चा करके आप सस्ते दर में किताब खरीद लें। लेकिन शायद आपको पता भी नहीं होगा किताब छपी प्रमाणिक काम ऑथेंटिक। 3 बरस धूल मिट्टी खाकर पटना, गया, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, तमाम ऐसे भोपाल ऐसे जगह जाके और धूल पड़े हुए उसमें से निकाला मटेरियल, उसको छापा। लेकिन वो किताब की इज्जत, हमारे यहां धन की इज्जत ज्यादा होती है, किताब की इज्जत कम होती है। राष्ट्रवादी इतिहासकार कहे जाते हैं काशी प्रसाद जायसवाल। मेरा जीवन समर्पित है कि जायसवाल को खाली पब्लिश कर लें, अंबेडकर और काशी प्रसाद जायसवाल को छापने में। आप जाके देखिए अंबेडकर साहब ने कितना वोट किया है काशी प्रसाद जायसवाल को,
रेवोल्यूशन और काउंटर रेवोल्यूशन किताब में पढ़ी, 6 किताबें पब्लिश कर चुका हूं और इतने मटेरियल मेरे पास है कि अभी उसको 6-8 वॉल्यूम किताब बना सकता हूं। इंग्लिश राइटिंग का कलेक्शन 200 से ज्यादा लेख उन्होंने लिखे, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन्स में सारा कलेक्शन किया हुआ। लेकिन समाज की दिलचस्पी, मैं जायसवाल नहीं पहले मैं बता, लेकिन जब सोच के दौरान इतने लोगों से मैं मिल रहा था कि लोग मुझे कहते थे रतनलाल जायसवाल, मैं कहा कि मैं जायसवाल नहीं, मैं दलित हूं, दलित समाज का, लेकिन एक स्कॉलर के ऊपर काम करना है मुझे। मेरे सुपरवाइजर प्रोफेसर के एन श्रीमाली ने मुझे कहा था, 30 साल पुराना उनका प्रोजेक्ट था कि केपी जायसवाल पे काम हो, कोई नहीं कर पा रहा था, 3.5 साल छुट्टी लेके मैं धूल खाया, और ये आपके सामने लाने के लिए बड़े बड़े लोगों से मिला। राष्ट्रवादी मोड की सरकार है, एक बड़े मंत्री के क्लोज एक उद्योगपति है जायसवाल जी, मुझे जानते हैं। मैंने कहा कि चलो मेरे से तो दिक्कत हो सकती है वैचारिक, मेरे से वैचारिक दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप ही में से कोई जाके भारत सरकार से किताब तो छपवा दो, प्रकाशन विभाग से किताब तो छापो, पार्लियामेंट के अंदर स्मृति ईरानी राकेश नाहर सब हमारे किताब के बारे में चर्चा करते हैं, हिंदू पॉलिटी का पन्ना पहला पन्ना उठा के देखिए क्या लिखा हुआ है उसमें, वर्ग विहीन जाति विहीन समाज के लिए ये लिखा हुआ है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, इतने बड़े बड़े लोग, मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादा समाज जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं जानता हूं, मैं घूमता हूं पूरे भारत, एक लेख तक नहीं छपवाया इस राष्ट्रवादी सरकार से। अगर सोचिए कि काशी प्रसाद जायसवाल जायसवाल नहीं होते, कुछ और होते, अगर ब्राह्मण होते तो छप गया रहता। साहित्य एकेडमी को मैंने प्रपोजल दिया कि उनके चेले चपाटों पे साहित्य एकेडमी से किताब छपी हुई भारतीय साहित्य सीरीज, और वो आदमी जो 8 लैंग्वेज जाता है, 23 साल के अंदर में 8-10 किताब छाप रहा है, 200 मौलिक लेख लिख रहा है, पटना म्यूजियम चला रहा है, बिहार उषा रिसर्च सोसाइटी चला रहा है, इंटरनेशनल फोरम पे जाकर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पे भाषण दे रहा है लंदन में, उनकी किताबें दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, एक छोटा सा किताब छाप दी लेकिन नहीं छापा, 2 बार रिजेक्ट किया। तो एक ऐसा समाज है जिनकी पूजा आप कर रहे हैं, काशी प्रसाद जायसवाल भक्ति के बहुत खिलाफ थे, जिनकी पूजा आप कर रहे हैं उस पर किताब नहीं छपवा सकते, ये मेरी शिकायत है। इस अवसर पे आपको याद दिलाना बहुत जरूरी कि उनको भारत रत्न मिले, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं, सरकारें आप बनवाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, सबको पैसा देते हैं, रिसर्च कौन करवा, मैं जायसवाल नहीं हूं लेकिन मैं लगा हुआ हूं, जिनके मन में छापूंगा। ये सरकार ऐसी है, मैं 3 साल से अजय जी 5 साल से मैं सेमेटिकल लीड मांग रहा हूं कि काशी प्रसाद जायसवाल को हिंदी में किताब छापनी है, राष्ट्रवादी सरकार कहती है, राष्ट्रवादी मोड में है और मुझे 5 साल से छुट्टी नहीं दी जा रही, यह हाल एकेडमिक पर्पज के किताब लिखने के लिए काशी प्रसाद जायसवाल ने मुझे लिखना है लेकिन छुट्टी नहीं मिली। ये आदमी आपको बताऊं, ऐसी इंफॉर्मेशन है, मैं तो दंग रह गया कि जो आदमी 56 साल की उम्र में जो डेथ हो गया वो 23 साल जिंदगी में काम किए, अखबार के संपादक रहे, मैगजीन निकाले, कितना वो वकील थे, पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, लंदन जाते थे मैजिस्ट्री करने, और इतना आदमी कैसे लिख सकता है खुला, और वो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक लेख, उनके लेख उनके किताब उठाकर देखिए, कोट किए जाते हैं दुनिया भर में अभी भी, लेकिन उस पर हमारे समाज का ध्यान नहीं है। सब लोग आजकल बोर्ड चली हुई है, वो जायसवाल जी के जमाने में भी था कि हम वैश्य हैं कि क्षत्रिय हैं, बड़ा हंगामा हुआ था उस समय मोतिहारी में जबलपुर में, जायसवाल जी सब में विश्वास करते नहीं थे, इतना लोग पीछे पड़ गया कि आप एक सम्मति दे दीजिए कि हम लोग कौन है, तो सोचे कि समाज झगड़े में कहां पड़े, बोल दिया कि कर्म से वैश्य हो और जन्म से क्षत्रिय हो, जबलपुर में घात हुआ, लेकिन उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनकी दिलचस्पी थी शोध में, वो चाहते तो बहुत कुछ बन सकते थे लेकिन पूरे जीवन उन्होंने इंडोलॉजी को लगाया। लेकिन आज सारा क्लेम हो रहा है कि हम क्षत्रिय हैं, पहले साबित हो जा रहे हैं, क्लेम ही करना तो एक नंबर पर क्लेम थी
दो नंबर में क्लेम क्यों कर रहे हैं, एक नंबर में बोलिए कि हम लोग भाई ब्राह्मण ही। तो साथियों इस ये व्यक्ति अगर मैं बोलूंगा कि 3 घंटा तो ऐसी लगातार बोल सकता हूं, लेकिन बगैर तैयारी के मैं बोलता नहीं। पहला भारतीय है जो लंदन में जाकर चाइनीज सीखने के लिए उसको यूनिवर्सिटी फेलोशिप दे दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका फोटो छापते हैं सरस्वती, उनका लेख लिखते हैं कि मिर्जापुर के वासी जो है काशी प्रसाद जसवाल ने गौरव बढ़ाया। बैरिस्ट्री करते हैं, हिस्ट्री में मास्टर करते हैं और अनंत कथा है। और थोड़ा गुस्सा आदमी थे, पटना हाईकोर्ट में किसी ने बदतमीजी करनी थी, उठाकर पटक के छाती में बैठ गए गुस्सा। उनका मूंछ वगैरह देखिएगा मेरे किताब में छपा हुआ है, ओरिजिनल मूंछ रखते थे ऐसे पूरा। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग के पास मास्टरों के संसाधन की कमी है। अब शोध इतना मतलब समझिए कि सेल्फ पोस्ट में खत्म कर देना पड़ता है। न्यूमिस्मैटिक्स पे, मुद्रा शास्त्र पे, अभिलेख पे, आर्ट पे, कल्चर पे, कितने मौलिक उनके शोध है, 6-7 वर्ष किताब छाप सकता हूं, छुट्टी नहीं मिलेगी, संसाधन नहीं, कहां से चला। तो कुछ काम पोस्ट रिटायरमेंट रखता हूं, अगर जीवित रहा सब ठीक ठाक रहा तो जसवाल जी को हम री इन्वेंट जरूर कर देंगे। अब जाके दुनिया के किसी बेहतरीन लाइब्रेरी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाकर देखिए, और काशी प्रसाद जसवाल दी मेकिंग ऑफ नेशनल हिस्टोरियन खाली टाइप करिए, आपको वहां लंदन नहीं गए थे, सरकार मुझे जाने नहीं देती, बाहर लेक्चर दे रुकवा देते, वो किताब आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि सिर्फ 4 जुलाई और 27 नवंबर आप काशी प्रसाद जसवाल को याद न करें और सरकारों से मांग करें कि काशी प्रसाद का हिंदू स्टडीज बहुत खुला है, में भी खुला है, मांग करें कि इतने बड़े प्रकांड विद्वान है जो रविंद्रनाथ टैगोर में जिनसे घबराते थे उनको भी हटा देते, उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय सेंट्रल विश्वविद्यालय तो बनवा दीजिए, ये खाली राष्ट्रवाद का मजा लेंगे। साथ एक भी राष्ट्रवादी इतिहासकार साहित्यकार पर एक भी किताब सरकार ने छापे सवाल कौन पूछेगा सरकार से। आज मैं प्रोफेशनल हिस्टोरियन, मैं तो सवाल पूछूंगा कि वैचारिक रूप से हम आपसे असहमत है लेकिन काम तो हम ही कर रहे हैं, छाप तो हम ही रहे हैं, लिख तो हम ही रहे हैं। तो ये हाल है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम आज आप कंजूसी छोड़ेंगे, आज जाके नेट पर सर्च करेंगे कि किताबें कहाँ हैं, 500 रुपए किताब घर में रख ली पढ़ी, तो उसके बाद और जब प्रोग्राम करेंगे आप बोलेंगे तो मजा है, बिना पढ़े हुए खाली भक्ति भाव में बात करेंगे तो मजा नहीं आता। उनके हिंदी राइटिंग का कलेक्शन 3 वॉल्यूम में सस्ता से आप देश को पता है, और एक किताब है जिस समय राजेंद्र प्रसाद से लेके दिनकर से लेके राहुल सानी तक तमाम ऐसे लोगों ने जो काशी प्रसाद जसवाल के ऊपर लिखा है वो किताब, कम से कम जानिए तो सही उनके बारे में लोग क्या कैसे विचार करते हैं, तो उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग जो प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज करते हैं, जो लिखते हैं, टाइम लगाते हैं, जेब से खर्चा भी करते हैं, वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते, जो काम ओरिजिनल करूंगा तो हम मर भी जाएंगे तो किताबें मुझे जिंदा रखेंगे। तो इसी बात के साथ अपनी बात में खत्म करता हूं, एक्चुअली जाना है गोरखपुर का, इनका फोन है जसवाल साहब का, हमने बिना तैयारी में तो भाषण करते नहीं, हम ये थोड़ा पढ़ लेते लेकिन कुछ चलिए जो है 10 मिनट बोलूंगा, अभी जाना है गोरखपुर, अभी लौट के आना है दिल्ली जाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, पुनः एक बार बताया।